प्यारे छात्रों अभिनंदन, मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए यहाँ लेके आऊँ रेलवे ग्रुप डी रेलवे अहमदाबाद का पेपर जो 9 नवंबर 2014 को हुआ था। ये पेपर बेस्ड ऑन मेमोरी है, आइए इस पेपर को देखते हैं। ये रेलवे जी के ट्रिक्स है RRC अहमदाबाद का प्रीवियस ईयर के पेपर की सीरीज नंबर 6। इससे पहले मैं आपको 5 सीरीज दे चुका हूँ जिसमें मैंने अलग अलग रेलवे के भुवनेश्वर का डेली का उनके पेपर दिए हैं और ये सीरीज हम जारी रखें आने वाले एग्जाम के लिए। बहुत ही परीक्षा उपयोगी सीरीज है। आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम किस दिन मनाया गया था? ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में ये घोषणा की गई थी सबसे पहले, और इसी 26 जनवरी की वजह से आगे जाके गणतंत्र दिवस भी हमारा 26 जनवरी को ही मनाया गया। सेकंड क्वेश्चन है, सुगोली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस देश के साथ की थी? उन्होंने नेपाल के साथ ये संधि की थी कहा जाता है, उसके बाद एशिया में उनकी पैठ ज्यादा हो गई थी। थर्ड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? उनका सलाहकार था कौटिल्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजकीय भाषा क्या है? लक्षद्वीप आप देखेंगे तो ये इधर की साइड है, केरला की साइड। जो इसकी राजकीय भाषा है उसका नाम है मलयालम। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम कामराज बंदरगाह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है? ये सवाना मैदान कहलाते हैं, सवाना घास के मैदान, जो कि दक्षिण अमेरिका में। हीरे में चमक किस कारण होती है? आपने देखा होगा कि हीरा बहुत चमकता है, तो इसमें चमक किस कारण होती है? यह होती है उच्च अपवर्तनांक के कारण। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिलीन का IUPAC नाम होता है एथाइन, इसका फॉर्मूला होता है C2H2। लूनर कास्टिक किस धातु का अयस्क है? ये चांदी का, सिल्वर का अयस्क है, सिल्वर इस अयस्क से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऑटोमोबाइल में यांत्रिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से परिवर्तित होती है, यानी कि जो पेट्रोल है वो रासायनिक ऊर्जा है और फिर वो यंत्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। 12th क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा होता है? जैसे कि आपने देखा होगा पौधे रेस्पिरेशन में CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है ग्लूकोज। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का आकार कैसा होता है? इनका आकार वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? ये गैलीलियो ने की थी। आप देख चुके होंगे यहाँ पे 1 से 15 तक सारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो लगभग आप मानिए अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें साइंस से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस पे अपना फोकस रखिएगा कि साइंस के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करें। तो जैसे आपको इससे आइडिया हो गया होगा खोजकर्ता या थ्योरी है या विटामिन के नाम है, किस तरह के क्वेश्चन है, इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे तो आगामी एग्जाम के लिए बड़े यूजफुल होंगे। और कई बार देखा गया जो क्वेश्चन मैं आपको ये करा रहा हूँ, आप अगर ये एक वीडियो रोज भी देख लेते हैं तो इससे भी आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी पूरी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन खाली रेलवे ग्रुप डी के लिए काम के नहीं है प्यारे छात्रों, ये आप कोई भी एग्जाम देते हैं SSC बैंक रेलवे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट के बॉक्स में लिखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि A to Z करियर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद, जिन्हें हम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं। गुजरात राज्य का स्थापना दिवस क्या है? देखिए प्यारे छात्रों, ये रेलवे अहमदाबाद का पेपर है तो इसमें रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो मैं आपको गुजरात राज्य के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इनको तो रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गुजरात राज्य का कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था 20 से 30 क्वेश्चन डेली आप याद करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा 2-3 महीने में कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं गुजरात राज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। गुजरात राज्य का स्थापना दिवस क्या है? इसका स्थापना दिवस 1 मई 1960 है, और महाराष्ट्र का भी ये स्थापना दिवस माना जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात एक ही दिन 1 मई को, 1 मई को लेबर डे भी बोलते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी गुजरात और महाराष्ट्र की 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का क्षेत्रफल क्या है? 196,024 वर्ग किलोमीटर
किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गुजरात में इस समय जो है टोटल 33 जिले हैं और कच्छ भारत में सबसे बड़ा जिला है जो गुजरात राज्य का ही है। और अगर हम बात करें पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये भी कच्छ ही आएगा। गुजरात के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? गुजरात की जो स्टेट बर्ड है इसका नाम फ्लेमिंगो है, जिसे हम हंसावर के नाम से भी जानते हैं। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, कई बार हिंदी में भी फ्लेमिंगो ही लिखा जाता है। फ्लेमिंगो और हंसावर दोनों नाम आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, राजकीय पशु कौन सा है? गुजरात स्टेट एनिमल कौन है? एशियाटिक लायन, गिरी सिंह जिसे हम बोलते हैं, ये गुजरात राज्य का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा के सदस्यों की संख्या बताओ। गुजरात विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है। इसके अलावा आप ये दो पॉइंट और याद कर लीजिए, लोकसभा में वहाँ 26 सदस्य हैं और राज्यसभा के 11 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो इन क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिए गुजरात विधानसभा के। गुजरात के लिए, गुजरात के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुजरात के प्रथम राज्यपाल का नाम था मेहंदी नवाब जंग। गुजरात राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? और जैसा कि आपको पता होगा, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो सबसे लंबे समय तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता गुजरात राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? और ये कहलाती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में सबसे अधिक बंदरगाह गुजरात राज्य में है, तो ये कितने बंदरगाह गुजरात में है ये आपको बताना है। तो गुजरात में कुल 40 बंदरगाह है, कांडला राज्य का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है, कुल 40 बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना गुजरात राज्य में ही कहां लगाया था, ये आपको बताना है। गुजरात राज्य के सूरत शहर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात को पश्चिम का क्या कहते हैं? पश्चिम का जेवर कहते हैं गुजरात राज्य को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए, गुजरात को पश्चिम का जेवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे भयंकर भूकंप गुजरात में कब व कहां आया था? ये 26 जनवरी 2001 को आया था और इसका केंद्र भुज में था। 26 जनवरी के दिन ये घटना हुई थी, सुबह 9 बजे के आसपास ही आया। भारत में अल्कोहल पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला राज्य गुजरात था। 1960 में यहाँ पर शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा नागालैंड और मणिपुर भी शराब पर पूर्ण प्रतिबंधित राज्य हैं। इसके अलावा केरला में 2014 में लगाई गई थी पूर्ण प्रतिबंध, और इसके अलावा लक्षद्वीप में भी। विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात में कहाँ स्थित है? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, ये भावनगर शहर के अलंग में स्थित है, जहाँ पे पुराने शिपयार्ड तोड़े जाते हैं। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा नमक का रन कहाँ है? व्हाइट डेजर्ट के नाम से मशहूर है ये। गुजरात के रन की पश्चिमी क्षेत्र की सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान से मिलती है, और कच्छ के रन का कुल विस्तार क्षेत्रफल 7,505.22 किलोमीटर का है। तो व्हाइट डेजर्ट भी इसे बोलते हैं, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा नमक का रन भी इसको बोलते हैं। तो प्यारे छात्रों, ये थे गुजरात अहमदाबाद से रिलेटेड क्वेश्चन, जो रेलवे अहमदाबाद के क्वेश्चन मैंने दिए हैं। 2014 का पेपर था रेलवे ग्रुप डी का, तो आप इसे देखिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे छात्रों, मेरा चैनल आप इजीली ढूंढ सकते हैं, केवल A2 न्यूमेरिक डिजिट Z करियर्स टाइप करके आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो इसे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें, साथ में बेल वाला आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही तुरंत मिल जाए। और प्यारे छात्रों, गॉड ब्लेस यू ऑल सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड आई अश्योर यू दैट यू विल गेट वन डे गवर्नमेंट जॉब श्योरली। थैंक यू वेरी मच प्यारे छात्रों।